जितने सिटी मजिस्ट्रेट आए हैं और कितने लोग गए हैं, सारे लोगों से मेरी बात है। आप हमको समझा दिए, 3 महीने से हमको परेशान किए हैं। आपको पैसा चाहिए तो पैसा ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मूर्ख है, आप लोग होशियार है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा आप लोगों ने नुकसान किया। 40 सीट हारे हम लोग, यहाँ बलिया सारे सीट हार गए, आप लोग हराए हैं, दूसरा कोई नहीं हराया, इसी कारण से हारे हैं। सुना आपने, ये है भारतीय जनता पार्टी बलिया के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, जो फोन कॉल पर सिटी मजिस्ट्रेट को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 40 सीट हम लोग हार गए, बलिया हार गए, आप लोगों की वजह से हार गए। ये कितने सिटी मजिस्ट्रेट आए हैं और कितने लोग गए हैं, सारे लोगों से मेरी बात है। और आप हमको समझा दिए, 3 महीने से हमको परेशान किए हैं। आपको पैसा चाहिए तो पैसा ले लीजिए। मैं उस टाइप का नेता नहीं हूँ जो समझ रहे हैं आप, मैं दूसरे टाइप का नेता हूँ सर। नहीं 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 नहीं, आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मूर्ख है, आप लोग होशियार हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा आप लोगों ने नुकसान किया। जो 40 सीट हारे हम लोग, यहाँ बलिया सारे सीट हार गए, आप लोग हराए हैं, दूसरा कोई नहीं हराया, इसी कारण से हारे हैं। दरअसल सुरेंद्र सिंह कुछ दिन पहले पिस्टल खरीदने की अनुमति के लिए उनके दफ्तर पहुंचे थे। भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह का आरोप है कि सिटी मजिस्ट्रेट पिछले 3 महीने से उन्हें दौड़ा रहे हैं। उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं सिटी मजिस्ट्रेट का मकसद घूस लेना है। पूरा जनपद जानता है कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, कोई बोल नहीं रहा है। ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। सिटी मजिस्ट्रेट ने भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष को, जिनकी सत्ता में है, सरकार में है, वैसे व्यक्ति को और सुबह से शाम तक 3 महीने से आगे पीछे घुमा रहा है और मेरा काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो किस तरीके से दूसरे का काम करते हुए। वहाँ कहिए कितनी फाइलें हैं, वहाँ हजारों फाइलें पड़ी हुई हैं, एक फाइल को दस्तक नहीं करते हैं, सारी फाइलें लंबित पड़ी हुई हैं, उससे सरकार का नुकसान है। अगर जो भी दस्तक करते हैं तो एक फाइलों में 2000 का स्टाम्प लगता है, तो सरकार को फायदा होगा और अधिकारी सरकार के फायदे के लिए हैं, लेकिन ये सारे लोगों को परेशान करके अपने फायदे के लिए काम करना चाहते हैं। उनको पहले पैसा दीजिए, सरकार को बाद में दीजिए। सुरेंद्र सिंह का आरोप है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से जनता त्रस्त है, ऐसे लोग ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उनके मन की बात सुननी चाहिए। जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता से बात किए हैं योगी जी? कम से कम आकर के योगी जी के अधिकारियों से मिलके चले जाते हैं, हम लोगों से तो कभी बात किए नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करें, एक दिन बैठक करें आकर के जिले में और देखें तो कितने कार्यकर्ता खुश हैं। एक मंडल अध्यक्ष यहाँ दुखी हैं, जिसकी सीमा नहीं है। एक मंडल अध्यक्ष की कोई बात नहीं सुनी जाती, जिला पदाधिकारियों की बात नहीं सुनी जाती, यहाँ विधायकों की भी बात नहीं सुनी जाती है। विधायक लोगों को भी धरना पर बैठना पड़ता है। यहाँ पर मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती है, लोग भागे फिरते हैं कि कोई हमारे पास आ ना जाए, कि कोई काम करना पड़े किसी अधिकारी से। सुरेंद्र सिंह ने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में चुनौती देते हुए कहा कि अगर जल्द ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे और तो और जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अधिकारियों को बुद्धि शुद्धि के लिए सुंदर कांड का पाठ करेंगे। बलिया बालियों की जगह है और मैं आपसे वादा नहीं करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह आंदोलन बहुत दूर तक जाएगा और ये थमेगा नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट के जाने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दे रहे हैं कि अगर सिटी मजिस्ट्रेट मंगलवार तक नहीं हटते हैं तो मंगलवार के दिन जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए सुंदर कांड का वहाँ पर पाठ कराया जाएगा। पाठ मैं स्वयं करूँगा, हमारे कार्यकर्ता करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे और करा करके हम लोगों के मन को हम लोग करेंगे। केवल पैसा मत लीजिए आप लोग,
ये अधिकारियों के चुनाव पूरा अगर हम लोग हार रहे हैं, इन अधिकारियों की देन से हार रहे हैं, अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण हार रहे हैं। आम जनमानस में ये सिद्ध हो गया है कि ये अधिकारी एकदम भ्रष्ट हैं। हमारी रणनीति ये है कि पहले इस भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो आंदोलन ये जारी रहेगा। इसके लिए मुझे जो भी अस्त्र व्यवस्था पड़ेगा मैं तैयार हूँ। तो सीधे तौर पर कहना है कि जो सिटी मजिस्ट्रेट भ्रष्ट हैं उनके लिए ये डीएम कार्यालय पे सुंदरकांड भी कहेंगे, शुद्धि बुद्धि यज्ञ भी करेंगे। जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक इनका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। बलिया से मुकेश मिश्रा, TV9।